और वहीं कांग्रेस की केंद्रीय कार्य समिति में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह फिर से सदस्य बने हैं। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने CWC में राजस्थान से जितेंद्र सिंह सहित 7 सदस्य नियुक्त किए जाने पर खुशी व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और अलवर के पूर्व सांसद जितेंद्र सिंह को उनकी काबिलियत की बदौलत यह सम्मान मिला है। इससे स्थानीय कार्यकर्ताओं में खुशी है। इसके अलावा राजस्थान से अभिषेक मनु सिंघवी, सचिन पायलट, महेंद्र सिंह मालवीय, मोहन प्रकाश, हरीश चौधरी और पवन खेड़ा को भी सदस्य नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि राजस्थान से 7 सदस्य बनाए जाने पर आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। देखिए, मैं धन्यवाद दूंगा हमारे केंद्रीय नेतृत्व को, पार्टी के को, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, माननीय सोनिया गांधी जी को, माननीय राहुल गांधी जी को, माननीय प्रियंका गांधी जी को, जिन्होंने हमारे अलवर जिले के विकास पुरुष और हमारे नेता भंवर जितेंद्र सिंह जी को लगातार उन्हें CWC मेंबर बनाया है। भंवर साहब को जो मेंबर बनाया है, जो उनकी योग्यता के हिसाब से बनाया है, वो व्यक्ति 16-16, 18-18 घंटे काम करते हैं। हमारे तो प्रेरणा के स्रोत हैं, तो हम भंवर साहब से सीखते हैं काम कैसे करना चाहिए। तो मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से उच्च नेतृत्व को तो बहुत बहुत धन्यवाद, और भंवर साहब को बधाई और पूरे जिले वासियों को बधाई कि भंवर जितेंद्र सिंह जैसे व्यक्ति को CWC में पुनः जगह मिली है। सर, इनके साथ 3 और बड़े नेताओं को, हरीश चौधरी, सचिन पायलट जी और अन्य नेताओं को बीच में जगह दी है जी। आपको लगता है राजस्थान को काफ़ी महत्व दिया है? बिल्कुल, राजस्थान को महत्व दिया है और आने वाले चुनाव में हमको इसका फायदा भी मिलेगा। इसका परिणाम देखना, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार पुनः रिपीट होगी।